हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आपके साथ मेरा थर्ड व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और आज इस व्लॉग में आपके साथ अगेन एक नया मेकअप लुक मैं क्रिएट करूँगी, उसकी जर्नी शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं। अभी मैं कम्प्लीटली फ्री हो चुकी हूँ, आज मैं थोड़ी लेज़ी हो गई हूँ, सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने एंड देन मैं आके आपसे बात करती हूँ। तो अब हो गई हूँ मैं फाइनली रेडी और हम जा रहे हैं शूट पर। और शूट पर जाने से पहले मैं बॉटल्स भर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं अब वहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा और वहाँ पर अभी पानी भी नहीं है, सो शॉप वगैरह सब बंद है, तो मैं पानी भर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा धूप है और हम जा रहे हैं हमारी शॉप पे। अभी स्टूडियो रेडी हो रहा है, तब तक हम हमारा जो मेकअप का सामान है वो सारा निकाल लेते हैं, तो देखते हैं क्या क्या आज मेकअप का सामान निकालने वाले। ऑल सेट। अभी जब तक कैमरा वगैरह सब सेट कर रहे हैं, तब तक हम हमारा मेकअप का सामान है वो निकाल रहे हैं। सो ये रही हमारी वैनिटी। कैमरे का बैग थोड़ा सा उधर साइड रखो ना। आज के मेकअप में जो यूज़ होने वाले ब्रशेज हैं वो ये सारे हैं जो मैंने अलग कर लिए हैं, ज़्यादा टेबल पे बिखेरना नहीं है मुझे इसलिए। तो कंसीलर ब्रश भी मुझे चाहिए, इसका शेड है मेरा जो। अभी मैंने यहाँ पर वीडियो शूट कर ली है, अब मैं ये सब कुछ समेट रही हूँ, क्योंकि आपने देख लिया होगा मैंने फेस वॉश वगैरह सब कर दिया है, क्योंकि वीडियो आपके लिए सरप्राइज़ है। सो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखना, व्लॉग शायद पहले आ जाएगा इससे। और अभी मैं ये सब कंप्लीट साफ़ करके और फिर मैं आज मेरे पति देव यानी मेरे हस्बैंड का पेडिक्योर करने वाली हूँ, बिकॉज़ उनके पैर पे बहुत ज़्यादा टैन हो गया है इसलिए। तो फटाफट से ये सारा समेटते हैं और फिर उनके पेडिक्योर का सेटअप लगाते हैं। को दिखा देती हूँ, देख लीजिए ये कितना कुछ बिखरा पड़ा है। और मुझे कल तक मैं आपको बताऊँगी, मुझे मेरे ब्रशेज़ वगैरह भी वॉश करने हैं, ब्लेंडर्स एंड ऑल, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा टाइम से गंदे हो रहे हैं इसलिए। तो चलिए अब आपको पेडिक्योर का जब मैं सेटअप लगाऊँगी। ये रहा हमारा पेडिक्योर करने का बकेट और अब इसमें हम पानी फिल करेंगे। ये वाला हमारा बकेट भर चुका है और अब इसको हम ले जाएंगे। हाँ, गेट खोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस बकेट में हमने जो पानी भरा है वो हमको गर्म करने के लिए रख देना है। अब हमको टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है। और ये है बबल्स। यहाँ पर मैं पेडिक्योर के लिए यूज़ कर रही हूँ यूनिक वेदा का मैनिक्योर पेडिक्योर क्लेंजर, जो हम पानी के अंदर डालेंगे। हमने इसके अंदर क्लेंजर डाल दिया है, अब क्लेंजर डाल दिया है सो क्लेंजर जब फुट अंदर डालेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे गर्म पानी। तो पहले हम इससे स्क्रबिंग करेंगे एंड नेल्स को अच्छे से वॉश करेंगे यानी स्क्रब कर करके, और ड्राई स्क्रबिंग भी कर लेंगे पहले। आप देख सकते हैं ये सब टूल्स हैं। और फिर ये सब हो जाने के बाद हम नेल्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो उसको फिल करने के लिए, जैसे कि हमारी डेड स्किन जम रही है, कहीं पर हमको नेल्स को फाइल करना है, स्किन को कट करना है, नेल कट करने हैं, कहीं नेल हमारा टेढ़ा मेढ़ा है उसको कट करने के लिए इस नेल कटर से भी कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यूज़ के ऊपर डिपेंड है कैसे यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर क्लेंजर डाला है। तो ये हमारे फिट को अच्छे से सॉफ्ट कर देता है और हमारी डेड स्किन को भी सॉफ्ट कर देता है, जिससे वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। और फिर आ जाते हैं, ये यूनिक वेदा का पेडिक्योर पैक है, क्रीम है एंड स्क्रब है। फर्स्ट में हमको क्रीम से मसाज करनी है और फिर हमको स्क्रब से मसाज करनी है और फिर पैक लगा के रखना है। और अब आप मेरे हस्बैंड के पैर देख लीजिए कैसे कंडीशन में है और हम उसको किस कंडीशन में ला के रखेंगे, देख लीजिए कितना
इतनी ज़्यादा 10 हो चुकी है। अगर इससे भी ज़्यादा 10 हो तो आप पहले D10 का पैक लगा दें और फिर ये प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। हम पहले ड्राई स्क्रबिंग कर देंगे, पैर अंदर डिप मत करना। अभी मैंने इनके पैर को अंदर डिप नहीं किया है क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत डेड स्किन है वो मैं ड्राई हेयर्स में ही निकाल दूंगी इस स्क्रबर से। ड्राई स्क्रबिंग मैंने पूरी कर ली है और ये देख सकते हैं ये जितनी भी डेड स्किन थी वो एक बार निकल चुकी है। अब पानी भी गर्म हो गया है, आप पैर डिप कर लो, पैर अंदर डाल दो। हमको 15 मिनट तक तो पैर अंदर ही रखना है। यानी अब मैं ब्रश से अच्छे से नेल्स को ब्रश कर दूंगी। जो भी नेल्स के ऊपर डेड स्किन जमी हुई होगी या फिर जो भी गंदगी होगी वो ब्रश से निकल जाएगी। मैं इसको हटा दूंगी। ये रहे हमारे सुंदर सुंदर पैर कंप्लीटली। काफी फर्क पड़ गया है, बाकी बहुत ज्यादा 10 हो चुके थे। कैसे लगे आपको आपके पैर? अच्छे। बस अच्छे इतनी मेहनत के बाद? घर पे क्योंकि थक गए, कब से ही आए थे तो अभी 6:30 हो चुकी है। अब जाके खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे फ्रेश, कुछ देखेंगे, अच्छी मूवीज वगैरह, फिर सो जाएंगे। ओके बाय। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करे और सब्सक्राइब तो कर ही दे मेरे चैनल को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।